अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमने हाफ के जी भिंडी ले ली है, ये, और हमने एक चिकन ले लिया है, मुर्गी एक, ये एक किलो से कुछ ज़्यादा ही होगी। तो उसके लिए बाकी जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं, ये हमने प्याज ले ली है, एक बारीक हमने काट ली है एक प्याज, और ये हमने चार अदद टमाटर ले लिए हैं। ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून है। ये हमारे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं, कोई 8 के करीब हैं, और ये चार हमने लंबी दरमियान से काट के ये ले ली हैं, ये वाली। तो ये हमारे पास अनियन, ये एक दो अनियन हमने रफली काट लिए हैं, और ये जो इधर एक मैंने रखा हुआ है अलग से, ये हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है। और ऑयल हम लेंगे 1 कप के बराबर, ड्राई मसाले में हमारे पास है 2 टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर ले रहे हैं, यानी कि सुरख मिर्ची, और ये हमारे पास हल्दी है 1 टी स्पून, और नमक हमारे पास है 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा है सफ़ेद, ये भी 1 टीस्पून है, ये खुशक धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून है, और ये हमारे पास मिक्स गरम मसाला है, ये भी हमारे पास 1 टीस्पून है, सुरख मिर्ची और नमक, ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे आगे कर सकते हैं कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। ये हमने ऑयल डाल दिया है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है ये जो हमने डाला है, बस ये हल्का सा हमारे प्याज का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, साथ ही हम फिर चिकन और बाकी मसाले ऐड करेंगे इसमें। बस ये हमारे प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है, अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। साथ में ही हम इसके डालेंगे सुरख मिर्ची हमने डाल दी, ये हमने हल्दी डाल दी, और ये नमक हमने डाल दिया, और ये हमने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, ये खुशक धनिया, और जो है हमारा गरम मसाला, ये हम अभी नहीं ऐड करेंगे, ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। गरम मसाला तो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे ऐड, और खुशक धनिया जो है वो भी हम थोड़ा बाद में जाके ऐड करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा मीट का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है,
अगर हम बहुत अर्ली ऐड कर दें तो ये ज़ीरा सॉरी धनिया पाउडर, थोड़ी देर हम इसको स्पाइसेस डाल के तो इसको कुक करेंगे, ढाँक के रख देंगे। इसको हमने हाई फ्लेम पे ही रखा है ताकि पानी चिकन का जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें अपने टोमेटोज ऐड करेंगे। ये हमारे चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो गया है, अब हम टमाटर डाल देंगे। अब हम टमाटर डाल के इसको दोबारा से ढांप देंगे। हमने रख लिया है चूल्हे पे, दूसरी तरफ हमने ये ऑयल रखा है। इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम भिंडी फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी अब फ्राई करेंगे। भिंडी को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल इसको डार्क नहीं कर देना, नहीं तो वो फिर उसका जायका भी कम आता है चिकन में और वो एक बहुत ही खुश्क लकड़ी की तरह हो जाती है सालन में बाद में। तो इसको हमने जूसीपन इसका जो है वो हमने नहीं इसका ख़त्म होने देना, तो फ्राई हम इसको कम करेंगे। भिंडी को आपने फौरी नहीं धोना, काटने से फौरन पहले अगर हम गीली भिंडी को काटेंगे तो गीलेपन में उसके लेस आ जाती है, तो भिंडी को आप जब आपने कट करना है उससे कम से कम आप 2 घंटे पहले धो दें। अच्छी तरह धो के उसको किसी खुश्क कपड़े पे फैला दें या तो फिर किसी छानने वगैरह में रख दें, तो ताकि उसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसको कट करें, नहीं तो फिर भिंडी में एक अजीब सी लेस आ जाती है और चिपकन सी उसमें हो जाती है, तो वो इतना मज़ा नहीं करती सालन में। तो दूसरा ये कि आपने भिंडी को काटना भी थोड़े से बड़े साइज़ में है, आपने बहुत छोटे साइज़ में नहीं काटना, नहीं तो वो बिल्कुल उसके अंदर ही घुल जाएगी सारी। और तीसरा इसमें ये है कि आपने फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा इसमें इसको हिलाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना चम्मच से, नहीं तो इसके सीड्स जो हैं जैसे ये कोई एक दो निकल आए, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो गोल वाइट वाले छोटे छोटे बीज टाइप होते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं सारे, तो वो भी फिर सालन में इतना मज़ा नहीं करते और वो लेस भी सालन में छोड़ते हैं। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि भिंडी को फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा उसमें चम्मच नहीं चलाना एक तो, और दूसरा उसको बहुत जब गीली होती है तब भी नहीं आपने कट करना, और कट करने के बाद तो बिल्कुल नहीं धोना, आपने पहले उसको अच्छा सा वाश करके खुश्क कर लेना है। ये भिंडी हमारी तकरीबन फ्राई हो गई है, हमने इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना वरना तो ये बहुत खुश्क लुक देगी इस तरह करके। अब हम इसको निकालेंगे, निकाल के भी हम इसको स्ट्रेनर हमने लिया है उसमें हम रखेंगे ताकि इसका जो फालतू ऑयल है वो उसमें प्लेट के अंदर हमारे निकल जाए। ये देखिए हमने भिंडी फ्राई की है तो इसमें जस्ट 2-3 इसके सीड्स निकले हैं, बाकी इसके नहीं निकले। इसकी मेन वजह यही है कि हमने इसमें चम्मच बहुत कम चलाया है। दूसरी तरफ हमने जो चिकन में टमेटोज डाले थे वो भी हमारा
बहुत अच्छे उसमें सारी चीज़ें आलू हो गई हैं। टोमेटोज हमें नज़र नहीं इतने आ रहे हैं, वो भी इसमें डिज़ॉल्व हो गए हैं। और ये हमारा मसाला भी रेडी है, हम इसमें अब भिंडी ऐड करेंगे। ये हमने जो सब्ज़ मिर्चें काटी थी और ये तीन चार हमने लंबी ही रखी थी, ये हम अभी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इससे पहले भी ऐड कर सकते हैं, बट ये फिर थोड़ा सा दरमियान में करके आप करें तो इसमें थोड़ा क्रंचीपन रहता है और इसका कलर भी मज़े का रहता है सब्ज़ मिर्ची का। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले भी डाल सकते हैं। भिंडी, आप जब भी भिंडी गोश्त बनाने के लिए आप भिंडी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि भिंडी का साइज़ छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा भिंडी का साइज़ ना हो, उसमें फिर सख्त होती हैं भिंडियाँ तो वो फिर गोश्त में मज़ा नहीं करती हैं। ये हम अभी इसको इसमें डाल देंगे जो हमने ये रखा हुआ है धनिया पाउडर, ये हम अभी ऐड कर रहे हैं इस पर। ये जो मिक्स मसाला है पिसा हुआ, ये हम अभी भी नहीं, ये हम थोड़ा सा और ठहर के ऐड करेंगे। और ये जो हमने स्लाइस में प्याज ली हुई थी ये भी हम ऊपर से हल्की सी डालेंगे। ये वैसे तो प्याज का पहले भी टेस्ट आ गया है लेकिन ये फिर थोड़ा सा क्रंची सा रहेगा तो ये मज़ा करेगा इस तरह। अब हमने इसको बहुत स्लो दम वाली आँच हमने कर देनी है और हमने इसको 15 मिनट तक तकरीबन दम लगाना है। ये हमारा मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है, इसको हमने 15 मिनट दम पे रखा है, बहुत स्लो आंच पे रखा है हमने। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ये ज़ीरा वो जो हमारा मिक्स मसाला जो पाउडर था वो हमने अभी मिक्स किया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें इस स्टेज पे भी आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो भिंडी चूंकि सॉफ्ट हो चुकी होती है तो वो फिर टूटने का खतरा होता है। ये तैयार है हमारा भिंडी गोश्त, मज़ेदार किस्म का तैयार हुआ है। ये हमने इसको डिश आउट कर दिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भिंडी भी बहुत मज़े की सॉफ्ट लग रही है और साबित है, इसमें कोई वो भून नहीं गई। और इसमें चिकन भी सॉफ्ट हुआ है और इसकी अच्छी सी स्मूथ लुक आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।